Hi everyone, in this video I am going to discuss brown ring test which is a confirmatory test for the nitrate ion. तो nitrate ion आपका क्या होता है NO3-. तो whenever your salt is containing this ion, suppose you are given nitrate PbNO3 whole twice. तो अगर आपको ये salt दिया है, इस salt में ये nitrate ion को confirm करने के लिए salt analysis जब आप करते हैं then you have to perform this test called brown ring test. This brown ring test is the confirmatory test for the nitrate ion के anion के लिए. ठीक है, तो we are going to perform this test. कैसे perform करेंगे सबसे पहले देख लेते हैं how to perform it. You have to take the test tube first and in this test tube you are supposed to take what? Your solution of salt. तो PbNO3 whole twice का aqueous solution, original solution you are going to take. Now you will add one more thing to it which is FeSO4. In this solution you are going to add sulfuric acid into it drop by drop, मतलब one by one drop you are going to add. जैसे ही ये drop meet करेगी आपके surface of the solution पर, for the fraction of second आपको वहाँ पर एक ring मिलेगी. कौन से color की? Brown ring. कैसी मिलेगी? ब्राउन कलर की रिंग ऑब्जर्व होगी फॉर द फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड. दैट इज़ वाई दिस टेस्ट इज नोन एज ब्राउन रिंग टेस्ट. अब ये ब्राउन रिंग क्या होती है एंड हाउ इट इज़ फॉर्म्ड, केमिस्ट्री ऑफ दिस पर्टिकुलर टेस्ट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड नाउ. शुरू करें तो लेट स्टार्ट विथ, वी आर टेकिंग Fe+2 आयन. FeSO4 में Fe+2 है. ठीक है, अलॉन्ग विद दैट वी हैव नाइट्रेट आयन और आप ऊपर से क्या डाल रहे हैं? सल्फ्यूरिक एसिड मीन्स H+ आयन. When they react they form Fe+3, यानी your ferrous ion converts into ferric ion and your nitrate ion converts into NO and H2O. ठीक है, यहाँ जो चीज़ मिली है इसका वैसे तो नाम नाइट्रिक ऑक्साइड है बट इट इज़ गोइंग टू रिएक्ट एज लिगेंड और लिगेंड की तरह जब ये काम करता है ना तो इसका नाम हो जाता है नाइट्रोसाइल. याद रखिएगा, वॉट इज़ नाइट्रोसाइल? नाइट्रोसाइल इज नाइट्रोजन ऑक्साइड वेन इट इज़ रिएक्टिंग एज अ लिगेंड. तो अब हाउ दिस नाइट्रोजन ऑक्साइड या नाइट्रोसाइल रिएक्ट विद Fe+2, मतलब अभी Fe+3 तो यहाँ पे इट इज़ गेटिंग ऑक्सीडाइज एंड दिस इज गेटिंग रिड्यूस्ड एंड दिस इज नाउ रिएक्टिंग विद द Fe+2 आयन्स, यानी NO इज गोइंग टू वर्क विद Fe+2 आयन और आपको मिलेगा एक कॉम्प्लेक्स एंड दैट कॉम्प्लेक्स विल बी ब्राउन इन कलर और इसका नाम क्या है? Fe H2O whole 5 NO. ओके, एंड द नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज पेंटा एक्वा नाइट्रोसाइल कॉम्प्लेक्स. यहाँ पे द चार्ज ऑफ द आयरन इज +2. तो आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं होता है इसमें, आयरन रिमेंस +2 ओनली. तो क्या बन रहा है यहाँ पे? पेंटा एक्वा नाइट्रोसाइल कॉम्प्लेक्स और इसका कलर क्या होता है? ब्राउन. तो जैसे ही आपका H+ इससे कनेक्ट होता है, आपका H+ कनेक्ट होते ही आपको मिलता है NO विच वर्क एज अ लिगेंड फॉर द मेकिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स और जो कॉम्प्लेक्स बनता है वो ब्राउन कलर का होता है. फॉर द फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड वो मीटिंग पॉइंट पर बनता जाता है तो आपको ऑब्जर्व होता है एज अ रिंग एंड दैट इज़ वाई दिस टेस्ट इज नोन एज ब्राउन रिंग टेस्ट. आई होप इट इज़ क्लियर कि वॉट इज़ द ब्राउन कलर. इट इज़ बिकॉज ऑफ द कॉम्प्लेक्स कॉल्ड नाइट्रोसाइल कॉम्प्लेक्स. आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द केमिस्ट्री ऑफ ब्राउन रिंग टेस्ट. इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, शेयर इट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. थैंक यू वेरी मच.